प्रदेश सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर मंडी में आयोजित की गई भव्य रैली को लेकर तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडे ने कहा कि छोटी काशी मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित की गई रैली में 1 लाख से अधिक संख्या में लोग नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए वहां पहुंचे थे। कांग्रेस केवल राजनीति के मकसद से इस तरह की बयानबाजी कर रही है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि 2017 में जब कांग्रेस सरकार ने धर्मशाला में रैली की थी उस समय क्या उन्होंने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं किया था? पिछले कल 27 दिसंबर को भारतवर्ष के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हिमाचल प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर आए थे। एक भव्य रैली वहां पर हुआ है, ऐतिहासिक रैली। आज तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में से इतनी जनसंख्या कभी इकट्ठे नहीं हुए। कांग्रेस के लोग बुखलाट में है, कांग्रेस के लोग इस बात को भूल गए हैं कि जो 2017 में उनकी रैली हुई थी उसे खर्चा किसने दिया है? क्या उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया था? उनका सारा जो खर्चा हो चुका था वो समय हमारी सरकार बनते हमने उसका बहन किया है। और जहां तक आपने कहा है कि कांग्रेस के लोगों का मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन पार्टी बन चुकी है, उनका कांग्रेस वालों का सिर्फ एक विषय बन गया कि सिर्फ आलोचना करना है, आलोचना करने तक सीमित रह चुके हैं। जहां तक आपने कहा कि उन्होंने कहा कि 4 सालों में काम नहीं हुआ है, इतना काम सरकार को कांग्रेस वालों को नजर नहीं आ रहा है। हर विकास हर क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के आदरणीय ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में इतने विकास हो चुका था, विकास हो चुका है। इसी बौखलाहट में कांग्रेस के लोग जो है अनाप शनाप राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कांग्रेस के पास कोई दिशा नहीं है, इसे आलोचना कर रहे हैं। मैंने कहा कि इन 4 सालों में हर परिवार को, हर गरीब से लेकर हर दर्जे के लोगों तक जो है विकास करने की बात की गई है। एक अभूतपूर्व विकास 4 सालों में हुआ है और 2022 में हम चुनाव में जाएंगे, हम विकास के मुद्दे को लेकर जाएंगे, विकास के मुद्दे को लेकर हम सरकार रिपीट करेंगे। और जो है इसीलिए मैंने कहा कांग्रेस के लोग बौखलाहट में है। सर, देश के लोग बता दें कौन से परियोजना उनको टाइम शुरू हुआ था। ये सारी योजनाएं जो है कांग्रेस का समय, विकास वो होता है समय रहते पूरा हो जाए। जो योजनाएं जो है लड़की पड़ी थी बजट के अभाव के कारण, भाजपा ने ठाकुर जयराम की सरकार ने और आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से भारत सरकार से पैसे मुहैया कराया गया, ये सारी परियोजनाएं पूरे किए गए। और नया योजनाएं आपका रेणुका डेम योजना, इतने सालों से कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। हमारी सरकार के टाइम इश्यू रहना, उसमें से काम बजट का प्रावधान किया गया है।